है। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के घुसे में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं बदरुद्दोजा अंसारी ने यहाँ पर अजमेर शरीफ में जो उर्स चल रहा है उसका 6 का कुल इन्होंने मनाया, लोगों में फल बांटे और गरीबों में शाल भी तकसीम किया और एक छोटे से प्रोग्राम करके किया। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मौजूद थे और सभी ने ये अहद किया कि आइंदा इससे भी बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमारी बातचीत यहाँ बदरुद्दोजा अंसारी एडवोकेट अहराब अहमद साहब, अताउल मुस्तफ़ा साहब और अकलीमा फाउंडेशन की हेड शमीमा खान से हुई है। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस प्रोग्राम के बारे में और आइंदा क्या करने जा रहे हैं लोग, इनके बारे में क्या कहना है। तो हमारे साथ आइए, उनकी बातें सुनिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हिंदलवली ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक मने 6 के कुल को यहाँ पर मनाया गया ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के जानिब से। यहाँ पर हम लोगों ने फल बांटकर यहाँ के लोगों को ये देख भाईचारगी का एक मिसाल पेश किया गया। जिस तरीके से फल देखते मने फल का मतलब हुआ हर किस्म का, सेब, अंगूर, केला, पपीता, खीरा, दिगर फल को मिलाकर एक फल हुआ। उसी तरह हम लोग ये दिखाना चाहा है कि आज हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक फल के मानिंद है। भारत में रहने वाला हर कोई भारतीय है, यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हर कोई इस भारत माँ के एक संतान है। हम लोग इसमें हमारे मौजीज हजरात दलजीत सिंह यहाँ पर उपस्थित हुए थे, विनोद कुमार मिश्रा जी, हमारे एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा जी, हमारे एडवोकेट हावड़ा कोर्ट के जनाब इब्रार अहमद भाई, जनाब हमारी बहन शमीमा खान साहबा और दीगर मौजीज दीपक साह और दीगर मौजीज हजरात उपस्थित हुए थे। यहाँ पर हम लोगों ने फल और कुछ गरीबों में चादर तकसीम की गई और तकसीम करके हम लोग 6 के कुल को बढ़ाया गया और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इससे और भी बढ़ चढ़ कर हम लोग प्रोग्राम करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बदरुद्दोजा अंसारी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नमस्कार, जय हिंद। मैं सबसे पहले तो जनता टीवी हिंदुस्तान के तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और आज 811वीं उर्स मनाई जा रही है ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उसकी ढेर सारी बधाइयां सभी को देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं उनके दर पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर कौम के लोग पहुंचते हैं, हर कौम के लोग फरियाद लगाते हैं, अपनी खाली झोली को लेकर जाते हैं और गरीब नवाज किसी को मायूस नहीं भेजते हैं, सबकी झोलियों को भरते हैं और उनके चाहने वाले भारत ही नहीं पूरे दुनिया के हर गोशे में मौजूद हैं और उन्हीं के दीवाने जो घुसड़ी में रहते हैं जनाब बदरुद्दोजा अंसारी साहब, जनाब इम्तियाज़ अंसारी साहब, इनके तमाम अरकान जो ख्वाजा के दीवाने हैं उन्होंने आज 6 का कुल को मनाया। आज 811वीं उर्स उनकी मनाई और साथ ही साथ कुछ गरीबों में जो है फल की तकसीम की गई, कुछ गरीब माँ बहनों को हमारे जो है शाल भी दिया गया, शाल जो कि ठंडी के मौसम में और भी वो लोग जो है उन लोगों को सामानों से दिया जा रहा है, उनकी ज़रूरत को चीज़ों को। गरीब नवाज़ का भी यही मकसद था कि गरीबों, मजलूमों, बेसहारों की आवाज़ बनो, उनके साथ खड़े रहो। तो ये बदरुद्दोजा अंसारी साहब और यहाँ शमीमा खान जी भी अकलीमा फाउंडेशन से मौजूद हैं, एडवोकेट अबरार अहमद साहब भी हैं, कुछ देर पहले हमारे एडवोकेट विनोद मिश्रा साहब भी मौजूद थे जो हमारे हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे भाई हैं बहुत अच्छे। सावित्री जी भी मौजूद थी जो एक्स काउंसलर हैं घुसड़ी की यहाँ की, वो भी मौजूद थी। दलजीत सिंह भी मौजूद थे हमारे पंजाबी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये महफिल में हर धर्म, हर रिलीजन के लोग थे और बहुत ही खूबसूरत मैसेज यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की गई है। बच्चों में ख़ासकर फल की तकसीम की गई, हमारे बुज़ुर्ग लोगों में जो ज़रूरतमंद है उनमें शाल तकसीम किया गया। बहुत ही अच्छा काम, यही मकसद था, यही मैसेज था हमारे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का और हम लोग उनके मकसद, उनके उनका जो मिशन है उसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। हम मैं तो खासकर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा बदरुद्दोजा भाई का जो हर एक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आज उर्स के दिन भी उन्होंने एक बहुत अच्छा कारनामा दिखाया है। फल तकसीम किया
और गरीबों को उन्होंने शाल बांट के उन्होंने ये साबित किया है कि हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं और हम गरीब नवाज के बताए हुए रास्ते को ही अमल करते हैं। और मेरी दुआएं हैं कि हमेशा हर साल ये प्रोग्राम इसी जोश खरोश के साथ पालन हो और गरीबों को कुछ ना कुछ तकसीम दिया जाए बकौल हमारे गरीब नवाज के अल्लाह ने अगर नवाजा है तो जिनके तन में कपड़ा नहीं है कपड़ा दो, जिनको भूख है उन्हें रोटी दो, अच्छे करो, नेकिया काम करो, यही गरीब नवाज ने भी कहा है और उसी को हम लोग अमल कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। आज ख्वाजा मोहिउद्दीन का 6 का कुल है, उस मौके पे बदरू अंसारी भाई ने हमें यहाँ पर बुलाया, फल की तकसीम की है लंगर की जगह। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, काफ़ी लोग यहाँ पर आए और बच्चे को फल भी दिया गया और हम सब भी यहाँ पे मौजूद थे। एक अच्छी काम हुई और अक्लिमा फाउंडेशन के जानिब से हम लोगों ने कुछ ज़रूरतमंदों को शॉल दिया ताकि ठंड तो ख़त्म हो चुकी है फिर भी मगर हम लोगों ने दिया है, शॉल तकसीम की है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बदरू भाई यहाँ पे हम लोगों को बुलाए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया और हम चाहते हैं कि आगे साल इससे भी अच्छा हो और बढ़ चढ़ कर हो, इसमें हम लोगों भी शामिल रहेंगे। अगर बदरू भाई आगे साल इंशाल्लाह ऐसे करते हैं तो हम लोग भी इनके साथ में साथ रहेंगे।